दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में कोरोना की रफ्तार घटने लगी है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी कर इसकी जानकारी साझा की। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 196,427 नए केस सामने आए हैं। वहीं 3,511 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में भी कोरोना केस घटते दिख रहे हैं। बीते 24 घंटे में कुल 42,320 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 592 लोगों की मौत हुई है। सैटेलाइट सिटी मुंबई में बीते 24 घंटे में सिर्फ 94 केस मिले हैं। महीने भर बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब संक्रमण के आंकड़े 100 के नीचे आ गए हैं। इसके पीछे वैक्सीनेशन और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन बड़ा जरिया माना जा रहा है, जिससे कोविड संक्रमण नियंत्रण में है। फिलहाल 1 जून तक प्रतिबंधात्मक लॉकडाउन लागू है। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर क्या देश में मोदी सरकार की छवि खराब हो रही है? बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसे लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। रविवार को बीजेपी और आरएसएस की एक उच्च स्तरीय बैठक इसका संकेत देती है। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे। सूत्रों की माने तो बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई, जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। पार्टी और आरएसएस नेताओं ने चिंता जताई कि जिस तरह यूपी में महामारी है, उसे राज्य में पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी यूपी चुनाव को लेकर नई रणनीति के तहत काम करने में जुट गई है। तौकते के बाद अब देश में यास तूफान का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बढ़ने से मंगलवार को यास तूफान बेहद सक्रिय और ताकतवर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। फिलहाल इससे निपटने के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने अपनी कमर कस ली है। वहीं यास तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए बंगाल के निचले इलाकों से लोगों की शिफ्टिंग भी शुरू हो गई है। ओडिशा आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास सिलेरू नदी में नाव पलटने से आज 8 प्रवासी मजदूर लापता हो गए, जबकि एक का शव बरामद हुआ है। ओडिशा के चित्रकोंडा पुलिस स्टेशन हद में नाव पलटने का हादसा सामने आया है। इस नाव में दर्जनों लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ का तलाशी और बचाव अभियान जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कमलनाथ पर कोरोना वायरस को कोरोना का भारतीय वेरिएंट कहकर भ्रम फैलाने का आरोप है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने एक टिप्पणी की थी, जिसे आधार बनाकर भाजपा नेताओं ने कमलनाथ के खिलाफ यह शिकायत दी थी। इस पर मध्य प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि इस पर क्या एक्शन होता है, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। पतंजलि की कोरोनल किट विवादों में है, फिर भी हरियाणा सरकार ने कोरोनल किट को पूरे राज्य में निःशुल्क बांटने का निर्णय लिया है। प्राथमिक तौर पर 1,00,000 कोरोनल किट बांटी जाएगी। इसका आधा खर्च हरियाणा की खट्टर सरकार उठाएगी, जबकि आधा खर्च पतंजलि के जिम्मे होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक कोरोनिल से कोरोना मरीजों के ठीक होने का दावा है, इसलिए सरकार लोगों के स्वास्थ्य एवं उपचार के प्रति अडिग है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना मरीजों के इलाज में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए लगातार प्रयास जारी है। टाटा स्टील ने कोरोना से जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों को 60 साल बाद भी पूरी सैलरी देने का ऐलान किया है। यानी मृत कर्मचारी के रिटायरमेंट की उम्र तक उन पर आश्रित परिजनों को पूरा वेतन मिलता रहेगा। सैलरी की पूरी रकम मृत कर्मचारी की आखिरी सैलरी के बराबर होगी। बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल और आवास की सुविधाएं भी मिलेगी। दरअसल इससे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा 5 साल तक वेतन और सालाना इनकम की दोगुनी राशि का ऐलान कर चुका है। जाहिर है कि टाटा और महिंद्रा देश की नामचीन कंपनियां हैं। यदि ऐसा निर्णय दूसरी कंपनियां लेती हैं तो अपना कमाऊ इंसान खो चुके परिवारों के लिए यह वरदान साबित हो सकता है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अपने घर की छत पर काला झंडा लहराकर नया विवाद पैदा कर दिया। सिद्धू ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पटियाला स्थित अपने घर की छत पर आज यह काला झंडा लहराया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि घट रही आमदनी, बढ़ रहे कर्ज के कारण किसान परेशान हैं और किसानों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो संदेश दिया कि पंजाब एक साथ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है। ये तीनों कानून किसान, मजदूर और व्यापारी के पेट पर लात मारने वाले हैं।
सिद्धू ने कहा कि अगर इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो पंजाब फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। सिद्धू ने कहा कि मेरे घर पर अब काला झंडा लग गया है, ये नए कानूनों के खिलाफ है और जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये काला झंडा नहीं उतरेगा। सलमान खान की फिल्म राधे रिलीज होते ही ऑनलाइन पायरेसी का शिकार हो गई है। हालांकि फिल्म की लीगल टीम लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। इसे लेकर जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने साइबर सेल में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें राधे की पायरेसी का विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पायरेसी के खिलाफ सख्ती बरतते हुए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया साइट्स को कड़े निर्देश जारी किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज ईडी की टीम ने देशमुख के करीबी सागर भटेवार के घर नागपुर में छापेमारी की। 100 करोड़ के वसूली केस में अनिल देशमुख के करीबी सागर भटेवार संदिग्ध हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज सुबह नागपुर के शिवाजी नगर स्थित सागर के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि ईडी को यहां से कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। असल में मनसुख हिरेन हत्याकांड में गिरफ्तार पुलिस अफसर सचिन वाजे और परमवीर सिंह मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर संगीन आरोप है, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद भी खोना पड़ा है। नवी मुंबई की एपीएमसी सब्जी मंडी में आज से दूसरे वैक्सीन सेंटर की शुरुआत हो गई। बीजेपी विधायक मंदा मात्रे की पहल पर नवी मुंबई मनपा ने सब्जी मंडी में इस वैक्सीन सेंटर का शुभारंभ किया है। इससे पहले बीजेपी विधायक की पहल पर अनाज मंडी में कोरोना वैक्सीन सेंटर खोला जा चुका है। दूसरे वैक्सीन सेंटर का शुभारंभ करते हुए विधायक मंदा मात्रे ने विश्वास जताया कि इससे एपीएमसी में हजारों कामगारों और व्यापारियों को कोरोना से बचाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर बाजार संचालक शंकर पिंगले समेत कई बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद थे। आज की बुलेटिन खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।